16 अगस्त को आई अमावस्या तिथि के साथ ही अधिक मास का समापन हो गया है। अमावस के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने से मिलने वाले पुण्य फल के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गौरीघाट पहुंचे और पुण्य सलीला में स्नान कर पूजा पाठ किया। पुरुषोत्तम माह के अंतिम दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ करने एवं पितरों का तर्पण करने का खासा महत्व माना गया है और यही वजह है कि अधिक मास के अमावस्या पर नर्मदा तटों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज पुरुषोत्तम माह का लास्ट दिन है, अमावस्या है, इसलिए गौरीघाट नर्मदा नहाने आए, स्नान करने आए। कथा जो कुछ भी श्रद्धा भाव से बनेगी तो कथा सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास का महीना जो आज लास्ट, किस तरह पूजन अर्चन करते हैं, क्या चढ़ाते हैं? इसमें ये मालपुआ का दान किया जाता है, शिव जी की आराधना और लड्डू गोपाल लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, स्नान किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, व्रत रखते हैं, शाम को भोजन आदि जो भी होता है वो लेते हैं। आज अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास की पवित्र पावन, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो लोग इस माह में नहाते हैं, नर्मदा जी में स्नान करते हैं, उनके घर में सुख शांति रहती है और सब लोगों को करना चाहिए। आज के दिन दान पुण्य करने से अपने परलोक की सुधार होता है और भगवान सबको ऐसी बुद्धि दे कि सब लोग ही करें। इस पर करते हैं ये व्रत है, कोई एक माह का करता है, पुरुषोत्तम मास बोलते इसको। भगवान पुरुषोत्तम भगवान को बनाए हैं कि इस मास में बहुत अच्छा रहता और ये 18 साल के बाद पड़ा है, 18 साल के बाद में पड़ेगा, इसलिए इसका महात्म्य ज़्यादा ही है और सब लोगों को ही करना चाहिए। इसमें क्या चढ़ाते हैं? इसमें मालपुआ का दान करते हैं, फल का दान करते हैं और जो कुछ भगवान तो इतनी चीजें दिए हैं, सब कुछ का दान करना चाहिए। मलमास की अमावस्या पर नर्मदा स्नान करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। पुण्य सलीला माँ नर्मदा के जल में डुबकी लगाकर भक्तों ने विधि विधान से पूजन किया और दान करके पुण्य लाभ अर्जित किया। इस बार 2 श्रवण माह पड़ने के कारण, मलमास होने के कारण, इसकी आज अमावस्या तिथि है मलमास की और आज मलमास पुरुषोत्तम मास का समापन दिवस भी है। माँ नर्मदा के तटों पर सुबह प्रातः काल से ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माँ नर्मदा का स्नान पूजन कर रहे हैं, मालपुए का दान करते हुए दीपदान कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव जी का अभिषेक पूजन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। भक्तों ने मां रेवा से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।